आगरा तो दिल्ली कटड़ा एक्सप्रैसवे की तरवीज विच अमृतसर नूं अखों परोखे करन नूं लैके उठ रहे सवालों दरमियान हुण अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने वड्डे सवाल चुके हैं। उन्होंने इस नूं सिख कौम दी अणदेखी करार दिंदिया कहा कि जे अमृतसर नूं इस हाईवे तो बाहर रखा गया तो 1984 तो बाद सिखां नाल इक होर वड्डा धक्का होवेगा। पंजाब दे अंदर कोरोना पॉजिटिव जिहड़े पेशेंट है वह काफ़ी ज़्यादा आए हैं ते असी सरकार नूं इहो कहना चाहुंदे आ कि इह गुनाही नहीं, इन्हां ने कोई गुनाह नहीं किया, इह पीड़ित है, इस करके इन्हां नाल जिहड़ा व्यवहार है वतीरा जिहड़ा इन्हां नाल सन्मानजनक होना चाहिए। किसी भी किस्म दीआं अपद्र टिप्पणियां जिहड़ियां ने इन्हां दे खिलाफ़ नहीं होनियां चाहीदियां ते जिहड़े अपद्र टिप्पणियां करदे ने उन्हां दे खिलाफ़ सख्त कार्रवाई जिहड़ी आ उह होनी चाहीदी है। इह बदकिस्मत ही है कि पहलों भाई बलदेव सिंह पठलावा का केस जो पॉजिटिव आया तो वो आड़ होले महल्ले के उत्ते इकट्ठिया हुई संगतों को निशाना बनाने का यतन किया, पंडी प्रचार बहुत किया गया सोशल मीडिया के उत्ते खास तौर पर। फिर प्रवासी साढ़े जोड़े भारती से पंजाबी से उन्होंने जोड़ा है निशाना बनाने का यतन किया, उतों भी अकाल पुरख परमात्मा ने कृपा की। फिर हजूर साहब जी संगत गई सी, हुण तां इह वी तत्थ सामने आ गए हैं कि जिहड़ी संगत हजूर साहब गई सी जदों उन्हां नूं लिआउण वास्ते बसां दा ऐलान होया तो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिहड़े मजदूर सन साडी सन बेशक वह भी हजूर साहब जिहड़े आ पहुँच गए कि चलो बसां हजूर साहब तो जा रही ने पंजाब तो असीं हजूर साहब ही जिहड़ा पहुँच जाने हैं तो उत्थों बसां राही असीं पंजाब अपने अपने घर चले जाएंगे। उन्होंने बेचारे ने गुरु का आसरा तकिया, कोई माड़ी गल नहीं सी, पर श्रद्धालु या हजूर साहब की संगत को जिहड़ा बदनाम करन दा जिहड़ा कोझा जतन है इहनू किसी भी कीमत दे उत्ते कोई भी सभ्यक मनुख जिहड़ा वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तो इन्हां सारयां नाल सन्मानजनक वतीरा जिहड़ा है वह अपनाया जाना चाहिए, चाहे कोई भी है पंजाब दे विच आम नॉर्मल भी कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उहदे नाल जिहड़ा दोषियों वर्गा व्यवहार जिहड़ा है वह नहीं होना चाहिए ता कि उहदा मनोबल जिहड़ा है वह बिल्कुल ना डिगे। चंगी इन्हां नूं खुराक दित्ती जानी चाहिए है, चंगा इन्हां नूं मानसिक तौर पर मजबूत रखने के लिए सन्मान दिता जाना चाहिए। और वाहिगुरु अगे अरदास है कि जिहड़े पॉजिटिव आए ने और जल्द ही अकाल पुरख परमात्मा की कृपा दे नाल इह सेहत जाग हो के अपने अपने घरां नूं जाणगे। जैदा साहब सतिंदर सताल दी इक शिकायत आई, ओह असीं करा रहे पड़ताल रिपोर्ट आई, डॉक्टर ते डीसी वल्लों इक कल ऑर्डर कीता गया जी जिंदे च उहने कहा कि स्पीकर ला के धार्मिक स्थानां तों वी मर्यादा कीती जावे कि कल तों बड़ा बड़ा मंदभागा हैगा कि धार्मिक स्थानां तों पहली गल तां है कि शराब की जी है खुली जी वरतों जी होनी होनी चाहिए, क्योंकि देखो शॉपिंग मॉल बंद है, जोड़े सारिया दुकाना बंद है, कपड़े मार्केट बंद है, सारी मार्केट बंद है, तो यहोजी पोजिशन के असी जे शराब में जोड़ा है वह पहल दे रहे हैं लोग घर ने ये डोमैसटिक जी है वायलेंस जी है वह बदन का खतरा है, घरेलू हिंसा के मामले जोड़े है शराब के प्रचलन के नाल जरूर जोड़े वधनगे जी कि साढ़े वास्ते बड़ी माड़ी गल हुई। बिल्कुल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद कर रखे जिथे सिखां ने या हिंदू या सिख मुसलमान जिहड़े जाते आस्था प्रगट करते हैं और आस्था के नाल इम्यूनिटी जी मजबूत होंगी है तो वह तो असं बंद कर रखे है, तो शराब जी है जिन्हें साढ़े घरेलू हिंसा के मामलों के बहुत वाधा करना है, क्योंकि सारे बंदे घर है शराब पीण के जरूरी है संभावना है कि घरेलू हिंसा वधेगी तो सरकार को सोचना चाहिए। वो मामला आया नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है, वो पड़ताल हो रही है और कोई ऐसी गल बड़ी मंदभागी गल है कि गुरबाणी बेअदबी के मामले जोड़े है ये लगातार ही जोड़े है वो पंजाब की धरती दे नहीं बल्कि हिंदुस्तान दे विच हो रहे हैं और सरकारां नूं जिहड़ा इहदे वास्ते जरूर कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी जिहड़ी बनाउणी चाहीदी है ते जिहड़े दोषी आउंदे उहनां नूं ऐसियां म्यारियां सज़ावां दित्तियां जाणियां चाहीदियां कि मुड़ के कोई बेअदबी करन दी हिम्मत ना कर सके। साहब कांग्रेसी आगू दिग्विजय सिंह ने अपमानजनक टिप्पणी कीती सी पर उन्होंने माफ़ी मंग ली अपनी टिप्पणी दे लई, पर हले तक जिहड़े पंजाब दे सिहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू उन्होंने अपनी गलती नहीं मन्नी। देखो चाहे दिग्विजय सिंह है चाहे पंजाब दे सिहत मंत्री है, हजूर साहब की संगत प्रति अपद्र टिप्पणियां जिहड़ियां है ये किसी भी कीमत के उत्ते समुचे विश्व के बैठा भाईचारा जिहड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा और खिमा मंगनी चाहिए है यहोजे लोगों जे कि उन्होंने अपद्र टिप्पणियां हजूर साहब तो प्रति संगत उन्होंने भावनावां के खिलाफ सिख भावनावां के उल्ट उन्होंने डेरे ठहराया गया तो बड़ा विरोध किया जा रहा है उन्होंने। देखो मानसिक तौर के उत्ते मैं पहले कह रहा है कि जी मानसिक तौर पर जो मजबूत होए कि पॉजिटिव जिहड़े पीड़ित है वह मानसिक तौर पर मजबूत होणगे तो फिर ही जिहड़ा बीमारी तो बच निकलणगे,
तो जिथे उन्हों का मन ही नहीं करता रहन वास्ते नाले डेरिया दे विच कोई अकोमोडेशन नहीं है वो छड है गर्मी दे विच तप जांदा हैगा थले सेक मारदा हैगा तो इहो जी पोजीशन दे विच उत्थे पेशेंटां नूं रखना जिहड़ा वो शोभ नहीं कि नहीं बिल्कुल एस सी पी सी वल्लों कहा गया धन्नवाद एस सी पी सी का गुरुद्वारा साहिबान दीआं सरावां जिहड़ीआं ने वो इन्हां श्रद्धालुआं वास्ते जिहड़े भी साडे वीर ने क्वारंटीन गवर्नमेंट जिन्हां नूं कर रही है सेहत विभाग अपनी निगरानी दे विच इन्हां सरावां दे विच इन्हां नूं रख सकदा है। पंजाब सरकार नूं असीं अपील करदे हां कि वह विशेष ध्यान जिहड़ा इन्हां सिख श्रद्धालुआं दे उत्ते खास तौर ते देवे जिहड़े मानसिक तौर दे उत्ते डेरे दे विच नहीं रहना चाहुंदे। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਵੀ 100-150 ਡਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਿੱਖ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ SHO ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾ। ਸਿੰਘ ਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।